महज 20 साल की उम्र और एक बिंदास अदाकारा। छोटे से लेकर बड़े पर्दे पर जलवा बिखेरने वाली एक्ट्रेस तनिषा शर्मा की सुसाइड मिस्ट्री को लेकर पूरा बॉलीवुड सन्न है। शनिवार को तनिषा शर्मा ने अपने टीवी सीरियल के सेट पर खुदकुशी कर ली। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई में ये वही टीवी सीरियल का सेट है जहां तनिषा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तनिषा ने सुसाइड से कुछ घंटों पहले ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी भी शेयर की थी जिसमें वो अगले सीन के लिए मेकअप करती दिख रही थी। इसके अलावा तनिषा ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो भी पोस्ट की थी। सवाल है कि आखिर इतनी खुश दिल और जिंदा दिल दिखने वाली तनिषा ने कैसे अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। पुलिस अब इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक तनिषा वॉशरूम गई थी लेकिन जब बहुत देर तक नहीं लौटी तो दरवाजा तोड़ा गया जहां उनकी बॉडी फंदे से लटकी मिली। तनिषा की मौत कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। कोई उनकी मौत को सुसाइड कह रहा है तो कोई मर्डर। पुलिस ने तनिषा के को-स्टार और एक्स बॉयफ्रेंड शिजान मोहम्मद खान के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अलीबाबा दास्ताए काबुल में शहजादी मरियम का लीड रोल निभा रही थी जिसमें शिजान उनकी अपोजिट किरदार निभा रहे थे। शिजान के खिलाफ आईपीसी 306 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है जिसका मतलब है आत्महत्या के लिए उकसाना। तनिषा शर्मा के परिवार वालों ने शिजान खान पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दोनों रिलेशनशिप में थे लेकिन दोनों के बीच रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। पुलिस की एफआईआर कॉपी के मुताबिक भी तनिषा शिजान के साथ रिलेशनशिप में थी। 15 दिन पहले ही दोनों का ब्रेकअप हो गया था जिसकी वजह से वे काफी डिप्रेशन में थी। बीती रात को जब उनकी मां ने शिकायत की थी इस पूरे मामले में, वनिता शर्मा, तनिषा शर्मा की मां का नाम है, उन्होंने शिकायत की थी और एफआईआर कॉपी में जो मेंशन किया गया है उसके मुताबिक साफ तौर पर लिखा गया है कि तनिषा और शिजान एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप पे थे और 15 दिनों पहले ही शिजान ने तनिषा से रिश्ता तोड़ लिया था और इसी रिश्ता के टूटने की वजह से जो है तनिषा लगातार डिप्रेशन में थी। तनिषा शर्मा अपनी छोटी सी उम्र में अब तक 6 से ज्यादा सीरियल्स में काम कर चुकी है। इस सीरियल में भी वे लीड रोल निभा रही थी। तनिषा बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुकी है। तनिषा ने 2 बार कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म फितूर और बार बार देखो में उनके बचपन का रोल प्ले किया था। तनिषा ने फिल्म कहानी 2 में भी शानदार परफॉर्मेंस दी थी। बताया जा रहा है कि बीते दिनों से तनिषा शूटिंग के दौरान सेट पर भी काफी परेशान नजर आ रही थी। हालांकि परेशानी की वजह अब तक साफ नहीं है। फिलहाल पुलिस इस केस की हर एंगल से जांच कर रही है। जल्द ही इस सुसाइड मिस्ट्री में पुलिस बड़े खुलासे कर सकती है।